मेरी फैमिली में मेरे 3 बच्चे, मैं हूँ, उनके डैडी तो रहते नहीं साथ में, तो फिर हम 5 लोग परिवार था हमारा। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने दिन गुजारे हैं मेहनत करके। अभी हर टाइम खेलने में दिमाग रखता था, लेकिन मैं हर हमेशा उसको यही बोलती थी, अली नहीं खेलो, बस पढ़ के लिख कर कोई नौकरी करने की कोशिश करो। तो मुझे बिना बोले हमेशा जाकर अपना खेल के प्रैक्टिस करके आ जाता था। स्कूल में तो उनके लिए सब मेरे हालत के बारे में जानकारी उनको मिली, और एक दिन उसने ऐसा हादसा बनाया कि टीचर के साथ के घर का माहौल देख के बहुत रो पड़ा स्कूल में। फिर टीचर ने मुझे कंप्लेन करके बुलाया घर स्कूल में, तो मुझे पूछा कि क्या हालत है, तो मैंने बताया कि मेरा ये हालत है। तो उसने बोला तुम ऐसे मत करो कि बच्चे पे असर होता है। तो रो के उसने बोला कि मम्मी बहुत, मेरे पिताजी मम्मी को बहुत तंग करते हैं, इसलिए वो रो पड़ा स्कूल में। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज अली इस मौके पर पहुँचेगा, लेकिन बहुत मेहनत से मेरा अली इतना आगे आ गया। आज मैं ये दिन देख रही हूँ कि खुशी के दिन देख रही हूँ। जब भी मैच होता तो मैं जाती थी उसके साथ, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, तो हमेशा बोलता था मम्मी सब लोग आते हैं तुम भी आओ, तो मैं जाके उनका गेम देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कभी हारते तो भी मम्मी बोलते अली तुम क्या कर रहे हो, कैसे आ गया होगे, बोलती थी उसको, नहीं मम्मी ऐसे कुछ नहीं है, तुम देखते जाओ देखते जाओ। उसका हर हमेशा यही कहना था आप चुप देखो आगे आगे देखते जाओ। तो मैं बहुत डरती थी कि आगे क्या होएगा इसका, आगे के फ्यूचर में जब कोई भी नहीं, कुछ कुछ सहारा भी नहीं है, तो इसलिए बहुत डरती थी। अभी मेरे 3 बच्चे ने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे साथ, उन्होंने मुझे साथ दिया है कि कभी उन्होंने मुझे ये नहीं किया, मेरे साथ साथ हुआ। अगर वो गलत रास्ते जाते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। मेरे लिए ये मुझे बहुत फख्र है मेरे बच्चों के पास। से यही दुआ कर रही हूँ कि सब कामयाबी होए, क्योंकि वो गोवा में ही पैदा हुआ, गोवा से, तो गोवा का नाम वो रोशन करे, और बहुत लोग उसके लिए सपोर्ट दुआ सब कुछ करते हैं।